हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 40 और 50 के दशक की बेमिसाल अदाकारा सुरैया के नाम से तो आप यकीनन वाकिफ होंगे। पहली बार हम आपको सुरैया की मौत से जुड़ा चौंकाने वाला सच बताने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है? किसी को नहीं पता कि उनकी मौत स्वाभाविक थी या नहीं। हिंदी सिनेमा में शायद ही ऐसी कोई अभिनेत्री होगी जो अभिनय के साथ गायन में भी अपना अलग मुकाम रखती हो, मगर वो सुरैया जमाल शेख थीं, जिनको गायकी और एक्टिंग दोनों के लिए याद किया जाता है। लाहौर में जन्मी थी सुरैया 15 जून 1929 को। पिता अजीज जमाल शेख और माँ थी मुमताज बेगम। दोनों की इकलौती संतान सुरैया जब सिर्फ 1 साल की थी तभी इनका परिवार बंबई शिफ्ट हो गया था। वैसे सुरैया के हिंदी सिनेमा में आने का किस्सा बड़ा रोचक है। 1941 की बात है, सुरैया न्यू गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। उनके एक चाचा थे अभिनेता जहूर, जो सिनेमा में खलनायक के रूप में अपनी अच्छी पहचान बना चुके थे। एक बार वो शूटिंग पर जाने लगे तो सुरैया ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। जहूर अपनी भतीजी को भी साथ ले गए। दोनों पहुंचे मोहन स्टूडियो। उस समय फिल्म ताजमहल की शूटिंग चल रही थी। सुरैया शूटिंग देखने लगी, अचानक वहां पर फिल्म के डायरेक्टर नानू भाई वकील की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने पूछा कि ये बच्ची कौन है। पता लगा कि जहूर की भतीजी सुरैया है। नानू को सुरैया में अपनी फिल्म की मुमताज महल का बचपन नजर आ गया। उन्होंने फौरन ही सुरैया को बाल कलाकार के रूप में साइन कर लिया। बस यहीं से सुरैया की हिंदी सिनेमा में एंट्री हो गई। मगर सुरैया जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया। 1943 में पृथ्वीराज कपूर की फिल्म आई इशारा, इसमें उनको लीड रोल मिल गया। फिल्म की सफलता ने उनको रातों रात स्टार बना दिया था। फिर 1946 में आई अनमोल घड़ी फिल्म में बसंती के किरदार से वो अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गईं। इस फिल्म में उन्होंने 4 गीत भी गाए थे। इनमें से एक गीत सोचा था क्या क्या हो गया से वो प्लेबैक सिंगरों की लिस्ट में भी शामिल हो गईं। इसके बाद तो 1947 में दर्द और परवाना फिल्में भी हिट रहीं। फिर 1948 में विद्या और 1949 में शायर फिल्म से सुरैया ने कामयाबी की ओर कदम बढ़ा दिया। अब सुरैया का दौर चल रहा था। नरगिस और कामिनी कौशल जैसी अदाकाराओं के लिए भी वो खतरा बनने लगी थी। 1949 से 1952 तक उनसे ज्यादा फीस की दूसरी कोई हीरोइन नहीं मिला करती थी। बॉलीवुड में देवानंद और सुरैया की जोड़ी राज किया करती थी। शायर, अफसर, सनम, जीत, विद्या, नीली और 2 सितारे जैसी फिल्मों से दोनों ने हिंदी सिनेमा में अपने अपने नाम का डंका बजा दिया था। मगर इसी बीच एक प्रेम कहानी भी हौले हौले पनप रही थी, देवानंद और सुरैया की। उन दिनों सुरैया बड़ी अभिनेत्री हुआ करती थी और देव अपनी पहचान बना रहे थे। कहते हैं एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया नाव में सवार थी और उनकी नाव अचानक पलट गई। उनको कोई बचाने नहीं आया। इतने में देव किसी फिल्मी हीरो की तरह आए और उनकी जान बचा ली। बस यहीं से सुरैया ने देव को अपना दिल दे दिया था। दोनों की लव स्टोरी 4 साल चली। दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। जीत फिल्म की शूटिंग में दोनों का शादी का सीन होना था, मगर एक योजना बनी कि असली पंडित बुलाकर सच में शादी कर ली जाए। सब तय हो गया था, लेकिन अचानक सुरैया से एक तरफा प्यार करने वाले एक युवक ने उनकी नानी को खबर दे दी। बस नानी फौरन सेट पर आ गई और सुरैया को घसीटते हुए घर ले गई। नानी एक हिंदू लड़के से अपनी नातिन की शादी नहीं करना चाहती थी। कहते हैं कि नानी ने अभिनेत्री से कहा था कि अगर वो देव से शादी करेंगी तो दंगे भड़क सकते हैं, देव की जान को भी खतरा हो सकता है। इसी डर से सुरैया ने देव से रिश्ता तोड़ लिया था, मगर देव को लगा कि सुरैया ने उनको धोखा दे दिया। बाद में देव ने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया देव की मोहब्बत में सारी जिंदगी कुंवारी ही रही।
दोस्तों अब आपको बताते हैं सुरैया की मौत का वो सच जो काफी चौंकाने वाला है। अदाकारा देव से रिश्ता टूटने के बाद काफी अकेली पड़ गई थी। वो अपने मुंबई के कृष्णा महल में मौजूद 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में अकेले ही रहने लगी। समय बीतता गया और 31 जनवरी साल 2004 में अचानक उनकी मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया। उनकी मौत की वजह कोई कैंसर कहता तो कोई अचानक ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत लो होने को वजह बताता। वैसे मौत से 6 महीने पहले वो अपने लीगल एडवाइजर धीमंत ठक्कर और उनकी बेटी एमी शाह के साथ रहने लगी थी। मौत से कुछ दिनों पहले वो हरकिशन दास अस्पताल में भर्ती थी, यही उनकी मौत हुई थी। उनकी मौत के मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब उनके पड़ोस में रहने वाली महिला ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया। 40 साल की हसीना बानो शब्बीर का कहना था कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। जब सुरैया की डेड बॉडी कृष्णा महल लाई गई तब वो वही मौजूद थी। महिला का दावा था कि सुरैया के मुंह से खून बह रहा था, जिसको एक दूसरी पड़ोसी सईदा बार बार साफ कर रही थी। उनके पैर में घाव भी था और उनके बाल भी एक जगह से उखड़े हुए थे। इतना ही नहीं, शब्बीर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सुरैया के वकील धीमंत और उनका परिवार अभिनेत्री की मौत के बाद उनके फ्लैट के चक्कर लगा रहे थे और बेडरूम से कुछ कागजात भी ले गए थे। असल में ये पूरा विवाद उस समय हुआ था जब धीमंत ने सुरैया के करोड़ों के फ्लैट पर अपना हक जताया था। वहीं हसीना बानो के दावे को दूसरी पड़ोसी सईदा और धीमंत के परिवार ने बकवास बताया था। सईदा का कहना था कि सुरैया के शव को अंतिम बार उसने ही नहलाया था। उसे किसी तरह की चोट के निशान नहीं दिखे थे, न ही उनके बाल कटे थे और न ही खून का कोई निशान था। सईदा का तो यहाँ तक कहना था कि उसने पहले कभी हसीना बानो को सुरैया के साथ देखा तक नहीं है, जबकि हसीना का दावा था कि वो सालों से सुरैया की दोस्त रही थी। वहीं दूसरी ओर वकील धीमंत की बेटी ने कहा था कि सुरैया का फ्लैट 6 महीने से बंद था क्योंकि वो हमारे साथ रह रही थी। इसी वजह से वो सफाई करने गई थी। उसने कहा था कि हाँ, वो बेडरूम में गई थी और वहां का कूड़ा एक प्लास्टिक बैग में रखकर बाहर फेंका था। हालांकि हसीना बानो यही नहीं रुकी, उसने 13 फरवरी 2004 को अपने वकील मजीद मेमन के जरिए डीजीपी को पत्र भिजवा कर सुरैया की मौत के कारणों की जांच कराने की मांग कर दी थी। हड़कंप तब मच गया जब 5 महीने बाद पुलिस ने उस मांग को स्वीकार कर लिया और जांच के आदेश भी आ गए। वहीं दूसरी ओर सुरैया के फ्लैट का मामला भी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया और प्रशासन ने उनके फ्लैट को उत्तराधिकारी मिलने तक सीज कर दिया। मगर कोई नहीं जानता कि फिर उस जांच का क्या हुआ। इस जांच के साथ ही सुरैया की मौत का सच भी रहस्य बनकर रह गया। किसी को नहीं पता कि हसीना बानो शब्बीर का दावा सही था या वकील धीमंत और सईदा का बयान। ये राज सुरैया के साथ उनकी कब्र में दफन होकर रह गया। दोस्तों, आपको सुरैया कैसी लगती थी? उनकी कोई फिल्म, किरदार या गीत आपको याद हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी ही और रोचक स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।